हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज की क्लास में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सामग्री प्रबंधन प्रणाली के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में इस टॉपिक पर देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में यूजीसी, एनटीयूजीसी, नेट और जेआरएफ के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का घुमाव और पैटर्न क्या होता है, वो सब चीजें इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो टॉपिक है आपका एनटीए, यूजीसी, नेट, सैट, केवीएट, डीएसएसपी, ईएमआरएस, एनवीएस, स्टेट लेवल और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूजीसी नेट में और सैट केवीएस एग्जाम्स, सब जितने भी स्टेट सैट के एग्जाम्स हैं तो उन सब एग्जाम्स में कंटेंट मैनेजमेंट टॉपिक पर क्वेश्चन पेपर में आता है। तो इस पर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस पूरे टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में व्हाट इज द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यूजेस, एलिमेंट एंड एग्जाम्पल, चार पांच चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन को देखेंगे, उसकी कार्य प्रणाली के को देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और उसका यूजेस क्या है वो देखेंगे, इसके एलिमेंट तत्व क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। कंटेंट मैनेजमेंट में एग्जाम्पल में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन कौन से इसके वैलिड एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके तो टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन एंड मीनिंग, इसका क्या इसकी डेफिनेशन और मीनिंग होंगी, सबसे पहले देखते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द लार्ज डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम, बड़े डेटाबेस और फाइल सिस्टम का एक कॉम्बिनेशन होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, कंटेंट को जो मैनेज करता है ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरी इसकी एपेस है यूज टू स्टोर एंड रिट्राइव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का जो दूसरा यूज है वो यूज टू स्टोर एंड रिट्राइव द ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, डेटा को स्टोर और उसको पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो यूज टू स्टोर एंड मैनेज द कॉलेज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, जर्नल, मैगजीन एंड अदर रिसोर्सेस, कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों, पत्रिकाओं, अन्य संसाधनों आदि को संग्रहित और प्रबंधित करने के लिए यूज किया जाता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो स्टोर कॉलेज के जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, मैगजीन्स होती हैं और जो दूसरे अदर रिसोर्सेस हैं उनको स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके यूज टू मैनेज द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट्स, वेबसाइट की सामग्री को मैनेज करने के लिए भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के फंक्शंस क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, इसको जरा देखते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, अलाइन द डिजिटलाइजेशन एंड आर्काइव ऑफ द मैगजीन्स, पत्रिकाओं के डिजिटलीकरण और संग्रह की अनुमति देता है। जो भी अपनी मैगजीन्स होती हैं उनको डिजिटलाइजेशन और स्टोर करने के लिए परमिशंस प्रदान करता है। डिजिटलाइज द वीडियो एंड ऑडियो मटेरियल्स, जो वीडियो और ऑडियो मटेरियल्स होता है उनको डिजिटल करने में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है। द यूजर्स एनोटेट द एनालाइज इवेलुएट एंड द शेयर द मटेरियल, यूजर सामग्री की एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन और साझा करने के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी डेफिनेशंस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी इसकी फंक्शनलिटी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यूजेस पे पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल पे पूछते हैं, तो सारी चीजें डिस्कस होनी चाहिए ना। नेक्स्ट है इट इज अ वेब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या एक वेब सामग्री प्रबंधन प्रणाली है जो क्या करती है, वेब बेस्ड पब्लिशिंग का काम भी करती है, फॉर्मेट मैनेजमेंट का काम भी करती है, रिवीजन कंट्रोल और इंडेक्सिंग, सर्चिंग एंड रिट्राइवल, इन सभी का काम करने के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द कंटेंट एंड रिसोर्सेज ऑफ द लाइब्रेरी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पुस्तकालय की सामग्री और संसाधनों के प्रबंधन पर बेस्ड होती है, उस पर आधारित होती है। यूज टू रन वेबसाइट डेट कंटेंट द आर्टिकल्स, न्यूज, ब्लॉग्स एंड नोटिफिकेशन अबाउट द लाइब्रेरी एंड इट्स रिसोर्सेस, एक वेबसाइट को चलाने के लिए उसमें संसाधनों के बारे में लेख, समाचार, ब्लॉग आदि सूचनाओं को शामिल करने के लिए कंटेंट
कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज किया जाता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करता है, हेल्प्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द बुक्स एंड रिसोर्सेज, पुस्तकों और संसाधनों को संरक्षण में मदद करता है। जो बुक्स होती हैं और रिसोर्सेज होते हैं उनको प्रिजर्वेशन करने के लिए, हेल्प करने के लिए इसका का यूज किया जाता है। प्रोवाइड द सिक्योरिटी इन केस ऑफ द डिजास्टर, आपदा की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है। जब जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस स्थिति में कंटेनमेंट सिस्टम होता है इन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यूजेस क्या है कंटेनमेंट सिस्टम के, क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? तो पहला जो यूज है, रीयूज द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को रीयूज करने में, पुनः प्राप्त करने में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन पर है और जो स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर जिनको यूज करते हैं। क्विक एंड इजी एक्सेस टू द रिसोर्सेस, संसाधनों को तुरंत और आसान पहुंच प्रदान करता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यूज टू ऑर्गेनाइज एंड फैसिलिट कोलैबोरेटिंग कंटेंट क्रिएशन, इसका यूज किया जाता है ऑर्गेनाइज संयुक्त सामग्री निर्माण को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेपरेट द कंटेंट मैनेजमेंट फ्रॉम द डिजाइन, सामग्री प्रबंधन को डिजाइन से अलग करता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है कि जो सामग्री होती है उसको डिजाइन से बिल्कुल सेपरेट कर देता है। वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑथर हैव द लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, इससे क्या होते हैं वेबसाइट्स के एडमिनिस्ट्रेटर और ऑथर्स होते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स प्रदान होते हैं। एस्टेब्लिश पब्लिशिंग प्रोसेसेस स्पेसिफिक पब्लिशिंग राइट्स टू वेरियस इंडिविजुअल्स, विभिन्न व्यक्तियों के लिए स्थापित प्रकाशन प्रक्रियाएं, विशिष्ट प्रकाशन अधिकार। एस्टेब्लिश पब्लिशिंग प्रोसेस, पब्लिशिंग प्रोसेस होता है उसको भी एस्टेब्लिश करता है। सेव द टाइम फॉर द ट्रेनिंग एंड लर्निंग, क्या करता है इसका यूज किया जाता है, प्रशिक्षण और सीखने के लिए समय बचाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि सारी चीजें एक साथ होंगी तो इसको समय आपका ट्रेनिंग और लर्निंग में समय बचेगा। फैसिलिटेट मोर पीपल टू एक्सेस देयर रिसोर्सेज एट एनी टाइम, किसी भी समय संसाधनों तक पहुंचने के लिए अधिक लोगों को सुविधा प्रदान करता है। बीएसआई अकेडमी के, मैं आपको बता दूं बीएसआई अकेडमी में एनटी यूजीसी नेट जीआरएफ और जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में जो सेट के एग्जाम्स होते हैं वो केवीएस डीएसएसवी एनवीएस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम्स होता है, पीएचडी इंटर्न, इन सब के लिए कोर्स ऑफर्ड है हमारी बीएसआई अकेडमी में, कोर्स चल रहे हैं, आप इनमें रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो और डिटेल इन्फॉर्मेशन आप हमें कॉल लगाकर भी पूछ सकते हो। मैं आपको खुद बताऊंगा टोटल जो कोर्स है, ग्यारह फैकल्टी ने पूरा कोर्स क्रिएट किया है, तीन तीन चार चार फैकल्टी ने इन कोर्सेज को क्रिएट किया है। आप आराम से घर बैठ के किसी भी समय इन कोर्सेज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि लोकल में कोई भी अच्छी फैकल्टी, अच्छे टीचर्स, अच्छे प्रोफेसर एजुकेटेड नहीं होते हैं जो इस कोर्सेज को पढ़ा सकें। तो आप बेस अकेडमी का जोड़कर अपनी लाइब्रेरी साइंस के एक बेहतरीन कैरियर के साथ में जोड़ सकते हैं। ओके एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के, एलिमेंट्स होते हैं टू टाइप्स के एलिमेंट होते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन CMA और कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन CDA। ओके दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, इनको याद कर लो CMA और CDA। CMA कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन क्या होता है, अलाउ द कंटेंट मैनेजर टू मैनेज द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट विदाउट नीडिंग द एक्सपर्टाइज ऑफ द वेब मास्टर, मतलब वेब मास्टर की विशेषज्ञता के आधार के बिना सामग्री प्रबंधक को वेबसाइट की सामग्री का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। कंटेंट मैनेजमेंट जो एप्लीकेशन है वो क्या करता है, अलाउ द कंटेंट मैनेजमेंट टू मैनेज द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट के कंटेंट को मैनेज करने की अनुमति प्रदान करता है। फंक्शंस क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, इसको क्रिएशन करने में, मॉडिफिकेशन करने में और रिमूवल करने में, कंटेंट्स को वेबसाइट्स पर अपने किसी भी उस पर क्रिएशन करने में, मॉडिफिकेशन और रिमूवल करने के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट है कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन, क्या करता है, कंपाइलिंग द इंफॉर्मेशन टू अपडेट द वेबसाइट, वेबसाइट को अपडेट करने के लिए जानकारी संकलित करना, वेबसाइट को जो अपडेट करना है उसके लिए कंटेंट डिलीवरी एप्लीकेशन यूज किया जाता है। इन्फॉर्म द एंड यूजर, और जो कि एंड यूजर को सूचित करने के लिए भी काम किया जाता है। एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वर्डप्रेस पेपर में एग्जाम्पल क्वेश्चन आते हैं कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल था, चार पांच टॉपिक दे देंगे उसमें से आपको एग्जाम्पल छांटने होंगे। तो वर्डप्रेस है, नेक्स्ट है द्रुपल, नेक्स्ट है जूमला, घोस्ट, जैकी सेकेंड, टाइपो थर्ड, मैजेंटो, माइक्रोवेवर,
आपको पायरो सीएमएस, सिल्वर स्ट्राइप, फॉग, जेनेरियो, मोडेक्स, क्लोनो टेक्स पैटर्न और ऑक्टोबर, एस क्यूब्स, प्रोसेस फायर, आपका टिकी विकी सीएमएस, सॉफीफाई, ओमेका, बिब्लो सीएमएस और लिव गाइड्स, इतने सारे एग्जांपल्स हैं। इनको आप एक एक करके नोट कर लीजिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कंटेनमेंट सिस्टम में। वर्डप्रेस, ड्रूपल, जूमला, ये सारे ऐसे हैं। मैंने कई सारे और भी लिखे हैं, क्योंकि एग्जाम्स में तो बुक्स में तो एक दो ही लिखे हैं। मैंने कई सारे रिसर्च करके कई सारे एग्जाम्पल इसके लिखे हुए हैं, तो आप नोट कर लीजिए। इस तरह से मैंने पूरा टॉपिक कंटेंट मैनेजमेंट का आपके लिए बनाया। अब कोई भी क्वेरीज आपकी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जो पेड कोर्सेज है उनके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल लगा के पूछ सकते हैं। तो कंटेंट मैनेजमेंट की डेफिनेशन, कंटेंट मैनेजमेंट के एप्लीकेशंस, इसके टाइप्स, फंक्शनलिटी पर क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है। तो कंटेंट मैनेजमेंट हमने डिटेल में डिस्कस किया, और भी डिटेल में चीजें हैं तो वो सब चीजें हमारे पेड कोर्स में आपको मिलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, मैं फिर मिलूंगा नई एनर्जी, नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।